सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपकी आवाज, आपका मन, आपकी कहानी और आपका नजरिया, ये चीजें आपके पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। इसलिए आप लिखिए, शिक्षा सबसे बड़ा मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान आदर होता है। शिक्षा सुंदरता और जवानी को भी पराजित कर सकती है। आज का पंचांग 17 फरवरी 2021, दिन बुधवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 8:18 तक रहेगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 11:49 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:41 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 17 फरवरी 2021, दिन बुधवार, आज अप्रत्याशित रूप से काफी खर्चे हो सकता है। आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको अच्छी लगती है, इससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित भी होगी। अपने इस खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें तो दिन शांति से गुजर जाएगा। आपको आज कुछ नई वित्तीय योजनाएं भी पता चलेगी। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत आज कामयाब होगी। भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास रखना आपको सफलता देगा। समाज तथा घर में भी आपके प्रयास और सफलता की तारीफ होगी। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात भी लाभदायक रहेगी। आज कुछ बातें आपके मन के अनुसार होगी और कुछ मन के विरुद्ध, लेकिन जो बातें मन के विरुद्ध हो रही है उसी बात का असर आपके ऊपर अधिक दिखेगा। आपके अंदर बढ़ रहे निराशा और चिड़चिड़ापन आपको लोगों से दूर कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करें। मार्केटिंग से संबंधित रखे टारगेट को पूरा कर पाएंगे। प्रेम संबंधों की वजह से आज आपको नकारात्मकता महसूस हो सकती है। बीपी से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति नकारात्मक अफवाह फैला सकते हैं, परंतु आप इन बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में ही व्यस्त रहें। आपके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। बंटवारे संबंधित किसी बात को लेकर भाइयों के साथ वाद विवाद भी रह सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता के बावजूद आप घर परिवार के लिए भी समय निकाल लेंगे, जिससे घर का वातावरण बहुत ही सुखद बना रहेगा तथा आपको भी मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। अच्छा, आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखाना ना भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में क्यों ना हो। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए ये दिन अच्छा है जिनमें आपके प्रभावशाली कौशल भी आवश्यक हो। लेकिन जो लोग बीमार हैं, वो लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उस समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रहा था। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के मुताबिक नतीजे हासिल होंगे। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने से नियुक्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु कर्मचारियों तथा स्टाफ की गतिविधियों पर भी पूरी नजर रखना भी जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। जिन मानसिक चिंताओं और कई तरह के दबावों के कारण आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं,
उनसे राहत पाने के लिए आध्यात्मिक उपायों और तरीकों का सहारा लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ तक कि जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाएगा। किसी फिटनेस कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करा लें और आप पाएंगे कि फायदेमंद होने के साथ साथ कुछ अभ्यास कर लेना मुश्किल नहीं है। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।